CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। 12 पाठों की इस पुस्तक का अब प्रस्तुत है तीसरा पाठ, दो वरदान, पृष्ठ 14। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसे बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। पृष्ठ 15। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई की दासी ने भी देखीं, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी बचपन से। कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुंह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकई के कक्ष में। वह हांफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद में चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल,
सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है, मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। पृष्ठ 16। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राज गद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उसका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई, उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी, उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली, उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे, बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। पृष्ठ 17। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था, चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे, अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई, मंथरा
रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े, कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी, कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खा ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ी देर रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। पृष्ठ 18। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कैकई को दशरथ से बात करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 19। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही, दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे, बीच बीच में होश आता। वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। इसी के साथ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा का तीसरा पाठ दो वरदान यहीं समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।